लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मेरे वरना जो है ब्लैक वरना उसका पहला पंचर हुआ, तो मैंने उसको वीडियो में इंक्लूड किया था। एनीवेज नेक्स्ट डे सबसे पहले मैं गया हूँ अपने बाल कटवाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, बाल कटवाने ज़रूरी थे। तो ये मेरे फ्रेंड हैं पवन, ये उन्होंने नया सैलून शुरू किया है तो उनके पास ही मैंने जाना स्टार्ट किया है। ये है फर्स्ट फ्लाई सैलून ज़ीरकपुर में, तो अगर आप यहीं इसी एरिया में रहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं कल आया नहीं था, कल मेरा ऑफ था तो देख के नहीं आया हूँ। अभी ये पुराने वाला जो अपार्टमेंट है उसमें बैठा हुआ हूँ, तो अभी जाके देखता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है आज। अपने वर्क साइट पे हूँ और अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 बज गए हैं और बाहर देखो कितनी तेज़ धूप है। इसमें देखें क्या है, ये है कैबेज और मटर और रोटी, तो ये लंच है आज। मैं हमेशा ना सिंपल ही खाना पसंद करता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ साथ में पसंद नहीं है। बाकी सैलेड देते हैं, आज सैलेड नहीं दिया है, मतलब कुछ दिनों से लेना शुरू किया था मैंने। एनी हाउ तो ये है, इसको खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फॉइल में मतलब वैसे थोड़ा गर्म रहता, मक्की सब्ज़ी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। सुबह ना ब्रेकफास्ट में ये पराठा बना था, ऑयल फ्री है बिल्कुल, आलू का पराठा है, तो ये वो साथ में है मेरे को आज, मैंने मम्मी को कहा कि ये भी दे दो तो वही दिया है। बाकी ये छोटे डब्बे में तो फिर ऐसा हो ही जाता। सनरूफ जो है वैसे तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, मगर एक टाइम सबसे बढ़िया लगती है वो ये है, जैसे बारिश हो रही है ना इसमें बढ़िया लगती है, ऊपर से ऐसे बूंदे पड़ती हैं। और फुल वाली हो तो बड़े वाली जो होती है पैनारोमिक वो हो तो और ज़्यादा बढ़िया लगती है, पर चलो जितना है उतना ही सही है, कुछ ना से तो अच्छे ही। बाकी सामने देखो कितना अच्छा मौसम है आज, खूब बारिश हो रही है। और ये ज़ीरकपुर एरिया जो चंडीगढ़ के पास है उसका है, ये छतबीर ज़ू है उसका एरिया है ये, तो बस एक यही एरिया ही है जहाँ पे इतनी हरियाली है बिकॉज ऑफ ज़ू, अदरवाइज़ तो हरियाली कहाँ रहेगी बिल्कुल। तो ऐसे ही घर से निकले थे काम से, बट बारिश तेज है तो सोचा कि थोड़ी देर एंजॉय करते हैं ऐसे मौसम में, तो इसलिए और तो कोई जगह थी नहीं जैसे मैंने आपको बताया, तो चलो फिर हम यहीं आ गए। ग्रीनरी भी है और बारिश हो रही है, मज़ेदार कॉम्बिनेशन। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या बारिश पसंद है कि नहीं। मुझे खैर ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे, जैसे अभी ड्राई हो रखा है एरिया, मतलब कीचड़ नहीं है तो अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ कीचड़ हो या पानी भर जाए तो मुझे पसंद नहीं है, अदरवाइज़ तो बारिश अच्छी है। बिना बारिश के तो आपको पता है सूखा होएगा सब कुछ होगा। और ये राइट साइड में जो है ना ये है छतबीर ज़ू, ये काफ़ी पॉपुलर है, मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर
इसका एक वीडियो भी डाला है जो कुछ टाइम पहले का है, मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल पहले का वीडियो है। मेरे अकॉर्डिंगली जू एक बहुत ही सैड जगह है। चलो लोग इन्जॉय करते हैं बट मैं नहीं करता इन्जॉय, मेरे को तो ये सैड जगह लगती है। कभी आप जब जू जाओ ना और एनिमल्स को देखो, वो कभी भी खुश नज़र नहीं आएंगे आपको, बेचारे सर्कल्स में घूमते हुए नज़र आएंगे, उदास नज़र आएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये पूरा एरिया वही है इसका जू का। और आज बारिश हो रही है तो काफ़ी एनिमल्स जो हैं खुश भी होंगे, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है इस बार तो कई जगहों पर इंडिया में 50-52 तक भी गया है। खैर अभी तो कार में शो कर रहा है 24 डिग्री। हुए बहुत सारे उसकी वजह से बिल्लियाँ आने लगी। तो ये देख लो जेम्स जो है झुक के वो नहीं देख रहा। दिन पहले इसकी वैक्सीनेशन होनी थी मगर हो नहीं पाई थी, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो आज इसको लेके जा रहा हूँ मैं। चलने चले, इंजेक्शन लगेंगे तेरे को 2 आज, एक लगेगा 10 दिन बाद। जेम्स केले केले कराले कराले, मैंने की और पैडी की और हो रहा था। ये कहते जब भी मुझे लेके आते हैं यही बोलते हैं, कभी बाल कटवा देते कभी दलवा देते कभी कुछ। आज सोचा क्यों ना अपने YouTube वीडियोस जो हैं उनको प्रोजेक्टर पर देख के एंजॉय करा जाए, तो मैं बैठ गया अपने जेम्स के साथ में और हमने देखने शुरू किए अपने वीडियोस। और मैं यूज़ करता हूँ ये बोर्सो कंपनी का अल्टीमा प्रोजेक्टर, तो इसकी क्लैरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी है। इस पर मैं अभी देख रहा हूँ, ये वरना कार जब ली थी ब्लैक कलर की तो उसका वीडियो देख रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर वीडियोस वगैरह देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एप्पल टीवी, ये रिमोट उसका ही है। अगर आप कोई ना मीडिया डिवाइस ढूंढ रहे हो तो और अफोर्ड कर सकते हो तो एप्पल टीवी ही लो, और स्पेशली जब आईफोन अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
ताकि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।